दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आशाराम की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें जांच के लिए शनिवार को एम्स लाया गया। वहीं जैसे ही इस मामले की सूचना उनके समर्थकों को मिली, वे बड़ी संख्या में एम्स के बाहर जुट गए और आशाराम के दर्शन के लिए देखते ही देखते भक्तों का भारी जमावड़ा वहां जुट गया। वहीं गड़बड़ी की आशंका से पुलिस ने उन्हें खदेड़ना भी शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद जोधपुर जेल के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ डटी रही। पुलिस का वाहन आशाराम को लेकर निकला तो समर्थक उनकी एक झलक देखने के लिए बेकाबू हो गए। पुलिस ने डंडे के बलबूते उन्हें फटकार कर वहां से भगा दिया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। कुछ महिलाएं गिरे भी तो कुछ एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भागने लगे। गौरतलब है आशाराम को जोधपुर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच एम्स लाया गया था, यहां उनकी MRI कराई गई। इसके अलावा कुछ और जांच होनी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आशाराम को 2 दिन पहले ही एम्स लाया जाना था, लेकिन बहाने बनाकर वह नहीं आए, जिसके बाद शनिवार को वह खुद आने के लिए तैयार हो गए। इसकी खबर उनके समर्थकों को मिल चुकी थी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर उनके दर्शन के लिए भी सुबह से ही एम्स के बाहर जुट गए। आपको बता दें, हर गुरु पूर्णिमा के मौके पर आशाराम के समर्थक जेल के बाहर इकट्ठा होकर उनकी पूजा करते रहे, जिसके चलते आज भी उनके समर्थक बाहर खड़े हुए थे। देखिए इस मामले की पूरी वीडियो। आगे दीवार आगे रोड पे मत चढ़ जाना। पीछे हो जाओ बहन जी, हाँ थोड़े थोड़े पीछे रहो, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, पीछे हो जाओ, हाथ जोड़ लो, एक बार पीछे जोड़ लो। सूर्य बोले प्रण है, पढ़े लिखे नहीं हो, पीछे हो जाओ, ये दिमाग खराब हो गया। घर से आई हूँ, बाबूजी के दर्शन को आई हूँ। हम सब भक्त बाबूजी के दर्शन को आए हैं और बाबूजी का जो ये आरोप लगा है बाबूजी का, वो बिल्कुल झूठा है, फर्जी मामला है, क्योंकि बाबूजी धर्मांतरण को रोकते थे और बस यही इसी कारण से। और बाबूजी देखिए, बाबूजी के जो जितने भी शिष्य हैं सब हम लोग निगुरे ही थे, गुरु नहीं थे। तब हम लोग का जीवन शैली अलग था, अभी बिल्कुल अलग है। जो लोग सिगरेट पीते थे, बीड़ी के, जो ड्रग्स एडिक्टेड थे, वो सब आके यहाँ बदल गए, गुरु दर पे आके, गुरु के गुरु से दीक्षा लेके, गुरु ज्ञान से बदल गए। आज किस तरह दर्शन करेंगे आप बापू के? हम लोग को दर्शन करने दिया ही नहीं जा रहा है, हम लोग को तो भगाया जा रहा है, लेकिन हम लोग हैं तटस्थ शिष्य है बापू जी के। बताएं, बापू जी का एक भी शिष्य टूटा नहीं है, इतना भी कुप्रचार हुआ, लेकिन हम लोग सच्चाई जानते हैं, इसीलिए और भी साधक जुड़ते जा रहे हैं। मीडिया कहाँ दिखाती है, आप लोग कहाँ दिखाते, आप लोग तो झूठ दिखाते हैं। हम हरिद्वार से आए, कोई मुंबई से आए, कोई लुधियाना से आए, सब जगह अलग अलग जगह, विश्व भर से सब आते रहते हैं यहाँ।